ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷೂರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ನೇ ಗೌರತಿಶೇ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರ್. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತಂ ಮಾಂ ಶರಣಾಂತಿ. मैं इस शुभ अवसर पर अपने परमाराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान के सगुरु स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ. तत्पश्चात आदरणीय वैष्णवगण, प्रिय आदरणीय सज्जन वर्ग, माताएं और बहनें और बेटियां, यथा योग्य अपना सम्मान आप लोगों को प्रदान करता हूं. आज बड़े खुशी की बात है कि मैं अभी परसों विदेश जा रहा हूँ. विशेष करके आजकल सभ्य कहे जाने वाले जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, जापान, यहाँ के लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को सुनने के लिए बड़े उत्सुक, बड़े आदर से इसको सुनने के लिए बुला रहे हैं. ब्रज छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं थी, विशेष करके इस परिणत वृद्धावस्था में, किंतु उन लोगों का इतना आदर, इतना उत्कंठा मुझे जबरदस्ती खींचे ले जा रहा है. केवल हमारे भारतीय प्रवासी ही नहीं, जो भारत के हैं वहाँ रह गए हैं वो तो है ही हैं, वहाँ के रहने वाले जो विदेशी भक्त लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो सुख और शांति चाहते हैं, आजकल के भोगों से, ऐश्वर्य से लदे हुए हैं, कहाँ ये अर्थ रखें, रुपया रखें, उनके पास में जगह नहीं, इन्वेस्ट करें. ऐसे लोग उनसे तंग आकर अब कुछ ऐसे चाहते हैं जिसमें सुख और शांति मिले. चारों तरफ थक गए खोजते खोजते, अंत में भारत पर नजर पड़ी. प्राचीन काल से हमारा वैदिक संस्कार विश्व में सबसे समृद्ध और धनी है. यहाँ के लोग जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब हो गए हैं, उनको देखिए उनका जीवन कैसा. जंगलों में यदि विवाहित भी हैं, वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति जी, कश्यप जी, अदिति जी, हमारे
रामायण के समय के बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग गृहस्थ भी थे, त्यागी भी थे, किंतु सब में किसी में भी सांसारिक भोगों के प्रति मोह नहीं था। और ऐसे ऐसे उन्होंने तपस्या की जो विश्व को उन्होंने अपने ज्ञान दे करके सबको कृतार्थ कर दिया। आज देख रहे हैं हम विश्व में बड़े बड़े राष्ट्र धनी धनी हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं, कोई भी अपनी परिस्थिति से सुखी नहीं है, सभी लोग उसी में बड़े दुखी हैं। हम तो छोटे से बड़े से गरीब से भी बड़े बड़े धनी लोगों से भी समृद्ध लोगों से भी सभी लोग हमारे पास में आते हैं। लड़कियां भी बिना हिचक के हमारे हमसे मिलती हैं, अपने दुखों को बतलाती हैं। विशेष करके इस सबका शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए वो उत्कंठित होकर के हमें बुलाते हैं। मैंने पहले भाषण में एक बार दिया था इंग्लैंड में, मैं हमारे भारतवर्ष के आज के आधुनिक राजनीतिक जो लोग हैं वो हाथ पसारने के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए इसके लिए आते हैं, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं उस समृद्ध भारत से आया हूं जो कि विश्व का सब समय गुरु रहा है। मैं जो देने के लिए आप लोगों को आया हूं उसमें थोड़ा सा भी यदि आप लोगों ने ग्रहण कर लिया आपका जीवन सुखी और शांति हो जाएगा। मैं उस चीज को देने के लिए आया, आपके अर्थ की हमें लालसा नहीं, वो आपके पास में रहे। सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने सोचा था ये भी कुछ पैसे के लिए अर्थ के लिए आए होंगे, और मैंने छुआ तक भी नहीं उनको, इसलिए उनकी हमारे प्रति बहुत काफी श्रद्धा बढ़ गई, बड़े प्रेम से सुनने लगे हमारे बातों। तो आज मैं परसों जाने वाला हूँ, आज मैं यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की, और जाने के पहले आप लोगों से मिल करके बहुत प्रसन्न हुआ। आज का विषय गीता का विचार रखा गया है। गीता हमारे वैदिक साहित्य का एक अनमोल रत्न है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुधी भोक्ता गीतामृतम महत। उपनिषद वह विद्या है जो हमको ये बतलाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। अधिकांश लोग यही समझते हैं पशुओं जैसा, मैं यह शरीर हूं। शरीर का भोग ही उसी को एकत्रित करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषद ये बतलाती है, वह विद्या है उप निकट में भगवान के समीप जो विद्या ले जाती है, जन्म मरण के दुखों से सांसारिक क्लेशों से सदा के लिए उसे ऊपर उठा देती है, जीवन को शांति और सुखपूर्ण बना देती है। उस विद्या का नाम उपनिषद है। उपनिषद और वेद साहित्य इतने विपुल हैं, अनंत हैं, उनका विचार इतना गंभीर है, भाषा इतनी क्लिष्ट है, दर्शन के विचार उसमें इतने प्रौढ़ हैं कि साधारण लोगों के लिए उसको समझना बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन। किंतु भगवान कृष्ण ने उन उपनिषदों का सार सरल सहल भाषा में, बोधगम्य भाषा में, गागर में, सागर की तरफ में उसमें भर दिया है। यदि और किसी भी शास्त्र को न छुए, गीता के केवल एक दो उपदेश को ही अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन शांति और सुखमय हो सकता है। इसलिए समस्त उपनिषदों का सार इस गीता में है, किंतु इसमें एक विचार है। गीता के पाठक
पढ़ने वाले जो हैं, इनका जो अनुशीलन करते हैं या उनके सुनते हैं उनको, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो गीता के विचारों का स्थूल और ऊपरी अर्थ केवल लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, और दूसरे हैं जो कुछ गंभीर विचार वाले हैं, बुद्धिमान हैं, उसके स्थूल अर्थ से प्रसन्न नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उसके विचारों के गहन गहराई में पहुंचकर उसका उद्देश्य क्या है इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इसमें जो स्थूल दर्शी हैं, जो ऊपर के बाहरी को अर्थ को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनका यह विचार है जो गीता कर्म योग की शिक्षा देती है, एक हाथ में अस्त्र लेकर के लड़ो और दूसरे अर्थ में दूसरे में हमारा स्मरण करो। बिन इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता हो, इसलिए गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसकी गहराई तक प्रवेश करके उसमें विचार में ये जाते हैं, गीता का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं था। अधिकारियों के अनुसार में विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं, उनके अधिकार के अनुसार में उसको उनमें आत्मज्ञान दिया जाए, धर्म क्या चीज है, आत्मधर्म क्या चीज है, हम हैं क्या आखिर, ये जगत क्या है, जगत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जगत का कर्तव्य रहने पर भी भगवान सत्य हैं या नहीं है ये पीछे का विचार, किंतु मृत्यु एक ऐसी चीज है जो परम सत्य है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक चीज और भी है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, बुढ़ापा जरूर आएगी यदि मर नहीं गए बीच में, और जीवन में तरह तरह के की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रोग है, अस्वस्थता है, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा है, इसलिए जगत में तरह तरह के दुख भी हैं, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, सभी लोग सुख से आते हैं, किंतु बुढ़ापा आएगी, दांत टूटेंगे, आंखें कमजोर होंगी, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी जिसका जन्म है जातस्य, मृत्यु अवश्यंभावी है, ये शब्द है। इसलिए हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, कहां से आए हैं, दुख क्यों मिल रहा है, बुद्धिमान मनुष्य इसके लिए चिंता करेगा, विचार करेगा, जो नहीं करता वो पशु है, पशु खाते पीते मरते हैं। मैंने देखा एक समय 20-25 गायें और 50-60 भैंस बूढ़े, और उनको एक कसाई लेकर के आ रहे हैं, कलकत्ता में बदगृह है, उनके सामने खड़ा कर दिए और बारी बारी से उन्हें लेकर के काट रहे हैं, जानवरों में थोड़ा सा ये घास हरी सी दे दिया, अब वो पशु परस्पर लड़ रहे हैं उस घास के लिए, किंतु ये नहीं जानते हैं कि अभी हमें जाना पड़ेगा और हमें काट डालेंगे, नहीं समझते। ऐसे हम हैं, संसार के लोग जो जन्मे हैं वो मर रहे हैं, जो बूढ़े जो जवान हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, जो बच्चे हैं वो नौजवान हो रहे हैं, किंतु हम नहीं जानते हैं ये कब किसकी कैसी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गीता के पृष्ठभूमि में हम जब चलते हैं तो देखते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और कैसे इस शिक्षा को अर्जुन को कृष्ण ने दी। पहले देखिए
पांडव लोग और कौरव लोग दोनों भाई हैं, चचे। कौरव लोग छल से पांडवों को आधा राज्य नहीं देना चाहते। यों तो पांडवों का अधिकार है संपूर्ण राज्य पर, क्योंकि उनके पिता राजा थे, किंतु पिताजी के मर जाने के बाद में धृतराष्ट्र को गद्दी दी गई संभालने के लिए बच्चों को। इसके बाद में जब बड़े हो गए, सब लोगों ने निर्णय किया कि इनका आधा राज्य दे दिया जाए। पांडव लोग उसमें संतुष्ट हैं, किंतु दुर्योधन इसमें संतुष्ट नहीं, उसके भाई लोग संतुष्ट नहीं, धृतराष्ट्र भी संतुष्ट नहीं। पांडव लोग यह तक कहा जी हमको 5 ग्राम केवल छोटे से दे दिए जाए तो भी संतुष्ट हैं, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते। और दुर्योधन क्या कहता है, सुई की नोक भर भी कोई राज्य का कोई हिस्सा हम नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ में देखिए, उस समय में धर्म की कितनी ग्लानि हो गई है इसको समझिए। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं असुरों को दमन कर शिष्ट और साधुओं की रक्षा के लिए जगत में आता हूं, इसके द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर लोग बढ़ते हैं और उनका आसुरिक विचार जगत में जब भर जाता है, उस समय में आकर के धर्म की ग्लानि को दूर करता हूं। किस धर्म के लिए, किस धर्म को की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान आते हैं? देखिए, महाभारत युद्ध के पहले परशुराम जी हो गए, उनके पिताजी जब दग्नि थे, जमदग्नि तपस्या कर रहे थे और सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय था, बड़ा अभिमानी, बड़ा बलवान था, ब्रह्मा जी से उसको वर मिल चुका था। वो सोचता था कि ये शरीर ही मैं हूं, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि कुछ नहीं, बेकार का है। ब्राह्मणों से उसकी ईर्ष्या हो गई। कौन ब्राह्मणों से? जो तत्ववादी साधारण। और उस समय के ब्राह्मण भी ऐसे हो गए थे जो ज्ञान में तत्व में नहीं पारदर्शी रह करके भगवान का भजन नहीं करते थे, आत्मज्ञान नहीं था, केवल ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा ऐसी भावना थी। इसलिए धर्म कर्म से वो भी रहित। कुछ कुछ लोग थे बहुत दुर्लभ, जो तत्व ज्ञान को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण। इसलिए दोनों में ठन गई। परशुराम जी ने ऐसे क्षत्रियों को कितनी बार, 21 बार काट डाला, जो गर्भ में थे केवल वही रह गए। अब उसी समय में विरोध चला, विरोध था इस बात का, कुछ ये चाहते हैं मैं शरीर हूं, शरीर के भोगों के लिए ही ये पृथ्वी बनी हुई है, हमारा भोग ही सर्वत्र हमको चाहिए, भोग के लिए ही अपने को क्षत्रिय मानना, ब्राह्मण मानना, वैश्य मानना, ये शरीर को आत्मज्ञान से शून्य होकर ऐसे लोगों के लिए सभी जितना ये विश्व बना है उनके भोग के लिए मानव बना हुआ है। किंतु बात ऐसी नहीं है, जितने जीव हैं विश्व में सभी कृष्ण के दास दासी, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन, गीता ये कहती है। कृष्ण ही एकमात्र सबके सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, सब कुछ करने वाले, वही समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, और जीव उनका अविनाशी तत्व है जो उनका सेवक तत्व है। इसको भूल जाने से तब आता है कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बौद्ध हूं, ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं, ये सब भावनाएं आती हैं। किंतु असल में हम आत्मा हैं, शरीर का ध्वंस अनिवार्य है, ये तो हार्ड मांस का एक है, उसके ऊपर में ये लगा हुआ है आत्मा, उसके अंदर में है, इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं, हम इसको भूल चुके हैं। उस समय में ऐसी दशा हुई थी
बड़े बड़े क्षत्रिय नरेश लोग अपने बाहुबल में विश्वास रखते थे और सोचते थे जे मैं ही विश्व का मालिक हूं, भगवान को भूल चुके, भगवान के साथ में उनका जो संबंध था वो भूल चुके। ब्राह्मण लोगों में भी अधिकांश लोग भूल गए, इसलिए परस्पर लड़ाई होने लग गई। इसलिए बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का इसी से ही जन्म हुआ, स्थूलवादी लोगों ने आत्मधर्म भूलने की वजह से। कैसी स्थिति हुई, अपने भोगों के लिए द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाकर जबरदस्ती और उसको नंगा किया जा रहा है। पतलाओ कहां धर्म, उसमें बैठे हुए हैं कौन, भीष्म पितामह जी बैठे हैं, दोनों कुलों के जो मूल हैं, उसमें गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं और वो लोग भी नहीं मना कर सके उन लोगों को, जैसा मत करो। ऐसे विपत मार्ग पर सब चल रहे थे, भीष्म की ऐसी क्यों दशा हुई, विषयी लोगों का, दुष्ट लोगों का अन्न खाया और गुरु ने भी, इसलिए उनकी बुद्धि भी ऐसी ही हो गई, भगवान से संबंध उनका खत्म। अब उन्होंने कहा जो हुक और क्रूक कैसे, जिसी रूप में यदि हम राज्य ले लेंगे, पृथ्वी का मालिक बन जाए, हम बड़े सुखी हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं हो सकता। युद्ध, ये लड़ाई इस बात की थी। कृष्ण ऐसे असुर विचारों का दलन करके आत्मधर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, असुरों का दलन करना। असुर कौन है, जो भगवान को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, वो लोग असुर हैं। और जो भगवान को मानते हैं, मनुष्य शरीर होने पर भी इसमें आत्मा है, उसका संपर्क भगवान से है, इस चीज को जो मानते हैं उनको देवता कहा गया। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण को प्रार्थना की जैसे रथ ले चलिए बीच में, दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा एक तरफ में महाराज युधिष्ठिर उनके भैया, उनका पुत्र अभिमन्यु और सब उनके सगे संबंधी, और दूसरी ओर में देखा क्या, हमारे भाई दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, कर्ण हमारे मैया से गर्भ से निकला हुआ, भीष्म पितामह जी, हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी, शाले और सब एक तरफ में खड़े हैं। किस लिए, कारण क्या है, उन लोगों का विचार इनसे युद्ध करें, मार करके ये युद्ध हम, ये राज्य हम दुर्योधन कर देंगे, और इधर कृष्ण वाले जो क्या कर रहे हैं, उनका विचार क्या है, कृष्ण का विचार ही उनका विचार है, असुर के विचार दूर करके धर्म की प्रतिष्ठा हो। धर्म माने क्या, नित्य धर्म, जीवात्मा भगवान का दास है। ये लोग इस विचार को सुने, नहीं तो असुर लोग नहीं सुनने देंगे। इसलिए अर्जुन को वहां पर कुछ मोह हुआ, अर्जुन को मोह नहीं हुआ, जो लोग ये कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ तो ये गलत है। क्यों, इसी उपनिषद के इसी श्लोक में वो दी गई है, क्या दी गई, अर्जुन जो है क्या, वो सर्व उपनिषदों गाओ, उपनिषद जितनी है वो गाय के समान है, जिससे अमृत निकलता है, दूध निकलता है, और कृष्ण इसके दुहने वाले, और अर्जुन क्या है, बछड़े हैं, बछड़ा गाय को प्यारा होता है कि नहीं, तो ये कृष्ण के ऐसे ही प्यारे हैं, इसलिए ये मुक्त हैं, हमारे शिक्षा कर देने के लिए एक अभिनय कर रहे हैं, कृष्ण से प्रश्न करें। अर्जुन को गुडा केस कहा गया, माया का मालिक कहा गया, इसलिए अर्जुन एक उसको मोह हो गया, और मोह के कारण प्रश्न किया, ऐसा नहीं, अर्जुन कृष्ण का परिकर था, ज्ञानों से समृद्ध था, तभी जगत के लिए उन्होंने प्रश्न किए। उन्होंने कहा जे केशव, मैं इस राज्य के लिए अपने सगे संबंधियों को मारना, अपने पितामह को मारना, गुरु को मारना नहीं चाहता, इससे अच्छा है कि बेहतर है कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करूं। क्यों, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, यदि इनको मारेंगे स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कुल धर्म हमारा जो है, जाति का धर्म, कुल धर्म ये नष्ट हो जाएगा, फिर जगत से धर्म लुप्त हो जाएगा,
और इस प्रकार से जगत का ध्वंस हो जाए। अर्जुन ने यहां कहा हमारा जो कुल धर्म आ रहा है, जाति धर्म जो हमारी आ रही है, इसी को उन्होंने सनातन धर्म कहला समझा। कृष्ण ने कहा तुम मूर्ख हो करके पंडितों की बातें कर रहा है, असोच्या नान्य सोचस्तन प्रज्ञावादांश्य भाष्य से न गतासु गतासु सुनश नान सोचंत पंडित। मूर्ख होकर के पंडितों की भाषा में बोल रहा है, मानो सब कुछ जान लिया। अरे जो चले गए हैं, जो आज न कल जाने के लिए बैठे हुए हैं, कितने आए और कितने सब चले गए, उसके लिए तू शोक करता है और कहता है कि मैं सनातन धर्म जानता हूं। अरे मूर्ख तू ये नहीं समझे जो सनातन है उसकी मृत्यु कैसे होगी, सनातन चीज का जन्म और मृत्यु नहीं होता, उसको दुख नाम की कोई चीज नहीं है। पहले ये समझिए जगत में कृष्ण बतला रहे हैं कि दो प्रकार की चीजें हैं, एक है जड़ एक है चित्त, जिसमें ज्ञान है कुछ, जिसमें कुछ अनुभूति है और स्वतंत्र इच्छा शक्ति जिसमें है वो है चेतन। हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, दुख सुख की अनुभूति होती है, पेड़ पौधों में भी अनुभूतियां हैं, जानवरों में भी है। छुई मुई का पौधा छू दीजिए बस मुरझा जाएगा। इसलिए जहां पर भी सुख दुख की अनुभूति है और स्वतंत्र इच्छा है वो है चेतन। एक चींटी है, चींटी इधर जा रही है, आप ऐसे अंगुल लगा दीजिए तो इधर से होकर के उधर चली जाएगी। रात में भी दीवारों पर चढ़ती है, किस लिए, कहीं से मीठा मिल जाए, कोई वस्तु खाने को मिल जाए, और स्वतंत्रता से इधर उधर घूमती है, इसलिए वो भी चेतन है। पेड़ पौधे हैं, किसी पौधे को किसी पेड़ की छाया में लगा दो तो वो थोड़ा टेढ़ा होकर के ऐसा शुद्ध वायु और रोशनी पाने के लिए तिरछा टेढ़ा होकर के वो निकलता है। इसलिए सब में ये अनुभूति है जितने ही चेतन पदार्थ, किंतु वो देखा नहीं जाता। जिनमें ये चीजें नहीं ये वो जड़ है। तो हम जितने भी चेतन वस्तुएं हैं आत्माएं हैं वो अजर अमर नित्य शाश्वत और आनंदमय चीज है, वो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ममई वांसो जीवलोके जीव पूता सनातन। हमारा जन्म मृत्यु नहीं है, किंतु हम अभी ऐसा ही समझे जन्म मृत्यु है। कृष्ण से पहले वो अर्जुन को उपदेश दिया, देखो पहले ये समझो ये मैं कौन हूं। अर्जुन ने कहा आप परब्रह्म हैं। गीता में कृष्ण ने कहा माम एव जे प्रपंडित प्रपद्यन्त, जो मेरी शरणागत होते हैं। और भी माम एव का प्रयोग तीन चार जगहों में कहा है, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, ऐसे ही तीन चार बार बतलाया। और बतलाया यह हमसे बढ़कर के इस जगत में कोई परतत्व नहीं है। क्या मत्तः परतरम नन्नत किंचित दस्ति धनंजय। जितने भी अवतार हैं सब उनसे निकले हैं, जितने भी देवता देवी मनुष्य हैं सब उनके सेवक हैं। इसलिए गीता के जो कृष्ण हैं, जो गीता को समझना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण स्वयं भगवान है। गीता में कृष्ण सबसे पहले उपदेश देते हैं यदि इस परम तत्व को कोई जानना चाहता है तो तत्वदर्शी गुरु के पास में जाए, प्रणिपात हो, परिप्रश्न हो और सेवा तद्विद्धि, उनको जानो। कैसे जानो परम तत्व को, प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उनसे प्रश्न करो, उनके चरणों में अपने को आत्मनिवेदन करो, सेवावृत्ति के साथ में पूछो, तब वो बतला देंगे। तो इसलिए गीता को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वो जन्म मरण से अतीत है। एक चीज को यह भी मानना होगा कि इस तत्व को
कृष्ण ने आज से करोड़ों वर्षों पहले सूर्य को, नारद जी को और देवल अशिति कितने लोगों को उपदेश दिया। बीच में वो लोग भूल गए, फिर से उन्होंने अर्जुन को इसने बतलाया। ये अनादि तत्व है। अब अर्जुन को उपदेश देते हैं, पहले तुम कहता है हम लड़ेंगे नहीं, तुम समझता कि जगत के इन लोगों को मारने वाला मैं हूं। अच्छा मान ले कि लड़ाई नहीं होती और वो अर्जुन उनको नहीं मार, ये तुमको लड़ना चाहिए, नहीं होगा तभी तुम लड़ेगा इस जगत में, अपने आप लड़ेगा। दुर्योधन को अर्जुन कृष्ण ने समझाया कि तुम लड़ो, उन्होंने तो नहीं कहा। उनके तरफ में कितने लाखों लोग थे, उनको भी नहीं समझाया तभी वो लोग लड़े। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो यज्ञार्थात कर्मणो लोको अमनत्र कर्म बंधन, ये सीखो जब मैं आत्मा हूं। अभी हम लोग भगवान को भूल करके इस जगत में सुख सुख खोज रहे हैं किंतु कोई सुखी नहीं है। भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान का स्मरण छोड़ करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पहले यह समझना होगा जो हम आत्म तत्व हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं। अभी हम उनको भूल करके संसार में हमने अपने को कर्तव्य समझ लिया कि इनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य। इसके लिए कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो, यहीं से आरंभ हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कोई कर्म करो, और यदि ऐसा नहीं करता है तो तुम जो भी कर्म करेगा वो तुम्हारा बंधन हो जाएगा। कोई भी कर्म करेंगे आप, कर्म किसको कहते हैं? गीता में कृष्ण बतलाते हैं अपने लिए जो कुछ, शरीर के लिए जो कुछ करते हैं वो कर्म है, किंतु वही चीज भगवान के लिए करेंगे तो कर्म नहीं हो करके वो उपासना भक्ति मार्ग हो जाएगा। बाजार से आपने अपने लिए सब्जी लेकर के आई, रसोई बनाया, ये तो हो जाएगा कर्म क्योंकि अपने लिए किया, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा इस जन्म में या दूसरे जन्म में। किंतु भगवान के लिए रसोई बनी, भगवान के लिए बाजार किया, कोई भी काम हो भगवान के लिए किया और भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो ये भक्ति हो। दोनों के ऊपरी व्यवहार में कोई अंतर नहीं, निष्ठा का अंतर है। इसलिए हमारे जो कर्म है करते रहें किंतु भगवान के लिए इन्हीं को कीजिए, अपने को आत्मा समझ करके इस शरीर में आसक्त न हो, इसके लिए ये उन्होंने बतलाया। गीता में बहुत तरह के ज्ञान बतलाए गए किंतु पहला है जो दूसरे अध्याय में दिया गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं। शरीर आप जितना भी अच्छा रखेंगे एक दिन जरूर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको और इसके बिना परमार्थ भी नहीं होगा, यह भी जरूरी है। इसलिए इसको हम रखेंगे किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, चिर शांति और सुख के लिए, हम भगवत उपासना के लिए इस शरीर को रक्षा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, इस जगत में रहते होगा, इसको भोगते हुए, इसको सहते हुए चित्त को हमारे अंदर में लगाओ, इसका उपदेश दिया। दुख होंगे जरूर इस जगत में रहने से, किंतु इस शरीर को हम इसलिए धारण करेंगे कि इसके द्वारा भगवत उपासना होगी, भगवत तत्व को जान करके इस जगत से सदा के लिए हम लोग सुखी होकर के चले जाएंगे, ये उद्देश्य के लिए इसमें। दूसरा ये गुह्य ज्ञान, दूसरा ज्ञान उपासना का, जगत में कर्म करते हुए उसका फल भगवान को दे दीजिए। जत करोषी जदशनाशी जज्जोषी ददाशी तप जत तपस्या कौंते तत्कुरुष मदर्पण, जो कुछ करते हो
करो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम करते हो, भगवान को उसका फल अर्पण कर दो। ये परमात्मा ज्ञान है, ये गुह्य तर ज्ञान। और तीसरा है सर्वगुह्य मनमना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु मामेव यस्य शिषे पतिजानो प्रियोसि मे सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने संसार के लौकिक धर्म हैं, शरीर संबंधी धर्म हैं, मन संबंधी धर्म हैं, उनको छोड़ करके आत्मा का धर्म जो भगवान के प्रति है, हमारे प्रति पहले शरणागत हो, यहीं से भगवान की सेवा आरंभ होगी। पहले शरणागति तो तुम्हारी हो, इसलिए इसको गुह्य से भी गुह्यतम और उसमें भी कृष्ण से संबंध रखकर मनमना भव तुम अपने चित्त को हमारे अंदर में दो, मेरे बन जाओ। मनमना भव गोपियों जैसे मनमना भव। यदि नहीं कर सकते, युद्ध भूमि मिले उनके लिए संभव पर नहीं है, मनमना भव मद भक्तो हमारे समय हमारा नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करो। भगवान के नाम के समान और दूसरा कोई जगत में सहज साधन उपयोगी पथ नहीं है भगवान को पाने के लिए। इसमें कोई कष्ट नहीं, ठीक है चंदा आ जाए, कोई भी इसमें कष्ट नहीं है, सहज रूप में आ गया। एक कीर्तन लगी मेरो राधा रमण गिरिधारी, और हमको बहुत ही सुंदर रूपवान गुणवान हमको लड़का मिले, और हमको बहुत बड़ा भारी विश्व में राज्य मिले। तो कृष्ण ने पूछा जे क्यों? इसलिए कि संसार के लोग हमसे डरते हैं, आपसे डरते हैं, जे कृष्ण का भजन करने से वो रास्ते का फकीर बन जाएगा और कृष्ण उसका सब कुछ ले लेंगे, इसलिए गरीब लोग उनको भजन नहीं करते। बड़े बड़े धनी हम जानते हैं, वह दुर्गा का और गणेश इत्यादि का भजन करेंगे, कृष्ण का भजन नहीं करते, किंतु डरने की बात नहीं है। ये अंत में दुखदाई है, कृष्ण का भजन बहुत सुखदाई है। इसलिए कृष्ण का भजन किया पांडवों ने, द्रौपदी जैसी स्त्री मिली जो विश्व की सबसे सुंदरी रूपवती और गुणवती, पुत्र भी ऐसे हुए, पृथ्वी का राज्य भी उनको मिला, किनको उनको दुखदाई समझ करके ये सब को छोड़ करके अंत में। तो कृष्ण का भजन करने से यदि कोई सुख चाहे, यदि समृद्धि चाहे, वो भी होगा। उनके भक्त प्रहलाद महाराज नहीं थे, ध्रुव नहीं थे, कैसी समृद्धि उनकी रही? किंतु भगवत भक्ति एक ऐसी चीज है जो भक्ति के मिलने के बाद में इन सब चीजों को तुच्छ समझता है, दुखदाई समझता है, वो अपने आप छोड़ देता है, उसकी रुचि नहीं रहती, देने पर भी नहीं लेते। गीता में भी ऐसा बतलाया गया, भगवान यदि देते भी हैं तो वो नहीं लेते, यहां तक कि मुक्ति नहीं लेते। इसलिए कृष्ण की भक्ति से डरना नहीं चाहिए, कृष्ण की भक्ति होने से सारा विश्व संतुष्ट हो जाता है, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास में गए और दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा जे वर मांगो। उसने वर मांगा जे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हमारे ऊपर संतुष्ट हैं तो अपने 60,000 शिष्यों के साथ पांडव लोग काम्य वन में है उनके पास में जाइए। और कब जाइए? जबकि द्रौपदी खा लेगी, बर्तन मांज करके
उलाट देगी। पांडव लोग भी खा पी करके शांत हो गए हैं, तीसरे पहर में जाइए और उनसे कहिए जे आपको भोजन कराएं, मैं इसी में संतुष्ट हूं। जे ठीक है, 60,000 शिष्यों को लेकर के भरी दोपहरी के बाद में जब द्रौपदी ने खा पी करके बटुए को मांझ करके उलाट करके रख दिया, वहां पर पहुंचे, बोले जी आज बड़ी भूख लगी है, हमको जल्दी से कुछ खिलाओ। महाराज युधिष्ठिर बड़े डर गए, कहीं अभिषम पात न कर दें। उन्होंने कहा अच्छा आप पधारिए, स्नान करके कुंड में अभी आइए, आपको रसोई पूरी मिलेगी, आप यहां पर प्रसाद पाइए। चले गए वो लोग स्नान में करने के लिए कुंड में, पास ही काम्य वन में कुंड है, बिमला कुंड, उसी के निकट ये रहते थे। इतने में द्रौपदी के पास में गए, देखो प्रिय अब ये ऋषि आएगा, हमको अभिसंपात दे देगा, यदि नहीं खिलाएंगे अब क्या खिलाया जाए, तुम कृष्ण को बुलाओ, हमारे बुलाने से नहीं आएंगे, तुम्हारे बुलाने से आ सकते हैं। द्रौपदी कृष्ण को पुकारी, कृष्ण हंसते हुए आए, बोले जे सखी हमें बड़ी भूख लगी है, पहले खिलाओ। उन्हें जे हम तो इसी के लिए बुलाए, हमने हमको एक बर है कि हम जिस बटुए में रसोई बनाती हैं और रसोई बनाने के बाद में हम जितने लाखों लोगों को खिला दें, कोई बिना खाए हुए नहीं लौटेगा, किंतु यदि मैं अंत में सबको खिला करके अपने खा लूँ और सोमांच करके उलाट दूँ तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसमें मैंने खा करके उलाट दिया है उसे। अरे कहीं लाओ तो देखें। फिर उन्होंने बुलाया, कहीं उसमें कुछ नहीं है तो देखें, तो उसमें भीतर देखा और अपने नक से एक साक का तिनका उसमें लगा हुआ था, उसको निकाला और मुख में दे करके और पानी एक लोटा पिया, तृप्तोष में कहा बेकार आई, और सारे ऋषियों के पेट भर गए। वहीं से भागे, भीम को गदा लेकर के भेजा भगवान ने, जाओ उनको बुला लाओ खाने के लिए। उस समय वो लोग भागे जैसे यदि हम जाएंगे कहीं अम्बरीश दशा न हो जाए, इसलिए वहां से भागे और न जाने कहां पृथ्वी को पार करके ब्रह्मलोक इत्यादि में वो लोग चले गए। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब देवता लोग प्रसन्न है, सारे मनुष्य प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुए, कृष्ण नहीं प्रसन्न हुए, कोई भी प्रसन्न नहीं। इसलिए बिना डर के, निडर होकर के, निर्भय होकर के कृष्ण का भजन करने वाला वही सुखी और शांति से रह सकता है। कलयुग में एक बात है, हरे राम हरे राम हरे नाम अव केवल, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। आप स्नान करें ना करें, पवित्र हो अपवित्र हो, मृत्यु से जा पड़े हुए हो, पैखाना टट्टी भी निकल रहा हो, तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। निर्धन व्यक्ति भी ले सकता है, धनी व्यक्ति भी हरि नाम ले सकता है, इसमें कोई भी जाति पाति या किसी चीज का मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, सबके लिए, मनुष्य जाति के लिए ये उद्धार करने वाला बहुत शक्तिशाली ये नाम है भगवान का। यहां तक कि जोर से उच्चारण करेंगे, पशु पक्षी कीट पतंग और पेड़ पौधे जो भी घास इत्यादि उनके भी कानों में जाएगा और उनका भी कल्याण हुआ। यहां तक कि हम यहां कीर्तन कर रहे हैं, हवा के तरंगों में यह नाम विश्व के कोने कोने में पहुंच करके वातावरण को शुद्ध करके इसको पवित्र बना देता है। जैसे घी आग में देते हैं, आसपास के वातावरण को पवित्र कर देता है हवा मिलकर, और ये नाम जो कीर्तन है सामूहिक रूप में जो हम कीर्तन करते हैं, विश्व ब्रह्मांड में हवा के तरंगों से चारों तरफ जाकर के चित्त को शुद्ध कर देता है। यदि याद नहीं होता तो न जाने हम कहां रसातल में गए होते। इसलिए भगवान का नाम कलयुग में सबसे सरल सहज और स्वाभाविक, अपने घर में रह करके और कुछ भी नहीं होता है, कोई आराधना नहीं होती, भगवान नाम का आश्रय करने से उसका कल्याण, किंतु यदि वह गुरु परंपरा के माध्यम से, संतों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से यदि आए वो, तो अधिक फलप्रद होता है, अन्यथा उसको विलंब होता है। इसलिए समस्त शास्त्रों का यही तात्पर्य है,
कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का है। इन नामों में भी कृष्ण का नाम समस्त नामों से श्रेष्ठ है, और इन कृष्ण के नामों में भी ब्रह्म परमात्मा होने पर भी नारायण नाम भी मुख्य नाम है, किंतु इससे भी गोविंद, गोपाल, राधा वल्लभ, नंदनंदन, यशोदानंदन, ये सब नाम श्रेष्ठ है। इन नामों का यदि कोई कीर्तन करे अपने घर में, बाहर में, जैसे अकेले दुखेले किसी यंत्र से या ऐसे भी, तभी उसका कल्याण होगा। रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, बिना स्नान किए हुए कर सकते हैं, स्नान करके भी कर सकते हैं, खाने पीने के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं है। और श्रद्धा पूर्वक हो तो कोई बात ही नहीं है। इससे धीरे धीरे साधुओं का संग भी होगा, आत्मज्ञान भी हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति होगी और उसका जीवन सुधर जाएगा। आज मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी एक कीर्तन महामंत्र की धुनी लगाइए।